दोस्तों, साल का पहला महीना ही एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहा है। जनवरी में रिलीज हो रही हैं साउथ की बहुत सारी शानदार फिल्में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सारे के सारे फिल्मों के नाम अभी बता रहा हूं। 12 जनवरी को धनुष स्टारर फिल्म कैप्टन मिलर वो रिलीज हो रही है दोस्तों। इस फिल्म में धनुष के साथ प्रियंका अरुल मोहन, शिव राजकुमार और सुदीप किशन अहम रोल में है। जेलर के बाद रजनीकांत अब लाल सलाम में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म सिनेमाघरों में 12 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसी महीने रिलीज होने वाली अगली फिल्म हनुमान है। यह एक तेलुगु भाषा की सुपर हीरो फिल्म है। इस फिल्म में तेज सज्जा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। अयलान एक तमिल भाषा की साइंस ड्रामा फिल्म है जिसे आर रवि कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, शरद केलकर, ईसा कोप्पिकर, भानुप्रिया जैसे कई कलाकार अहम रोल में हैं। ये फिल्म भी 12 जनवरी को ही रिलीज हो रही है। 12 जनवरी को रिलीज होने वाली अगली फिल्म है मैरी क्रिसमस, जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति नजर आएंगे। 15 जनवरी को सुंदर सी की डायरेक्टेड फिल्म अरन मनई 4 एक हॉरर कॉमेडी रिलीज होने वाली है। इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं जो काफी पसंद किए गए। वहीं अब इसका 4th पार्ट 15 जनवरी को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 14 जनवरी को नागार्जुन स्टारर फिल्म नासामी रंगा एक पीरियड ड्रामा है। इस फिल्म में नागार्जुन के साथ अल्लारी नरेश, राज तरुण और आशिका रंगनाथ मुख्य किरदारों में हैं। 13 जनवरी को रवि तेजा की फिल्म ईगल भी रिलीज हो रही है दोस्तों। यह भी रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 जनवरी को एक और फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों, महेश बाबू की गुंटूर कारम। वाओ। इसी महीने एक और एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म सैंधव रिलीज हो रही है, जो कि वेंकटेश दुग्गुबाती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, एंड्रिया, जेरेमिया समेत कई स्टार्स इसमें नजर आएंगे। साउथ की लगभग 10 फिल्में जनवरी में रिलीज हो रही है दोस्तों। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।